अस्सलाम वालेकुम वुडियंस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। इस यूनिट में एक न्यू कॉन्सेप्ट था मिलियन का, तो आइए हम देखते हैं किस कॉन्सेप्ट में न्यू क्या है। 1 लाख तक की स्टडी तो हम कर चुके हैं कि 1 लाख किस तरह से बनता है, ठीक है। तो वी से 1 लाख एंड वी राइट इट एज, पहली लाइन देखें, फिर वी से 2 लैक्स, वी राइट इट एज दिस, यानी लैक में 5 ज़ीरोज़ होते हैं और जब हम लैक लिख रहे होते हैं तो 3 ज़ीरोज़ के बाद या 3 डिजिट्स के बाद जो है वो एक कॉमा आता है और फिर 2 डिजिट्स के बाद एक कॉमा आता है। इस तरह करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 10 लैक्स, वी राइट इट एज 10 लैक, यानी 10 तो अलग से है ना और लैक के 5 ज़ीरोज़ अलग से हैं। 10 लैक्स और ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, फिर डिजिट्स में लिखा हुआ है, इज़ द फर्स्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है। फर्स्ट 7 डिजिट नंबर है, एक तो बात ये इम्पॉर्टेंट आपने याद रखनी है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है, 10 लैक्स इन पाकिस्तानी काउंटिंग इज़ 1 मिलियन इन इंटरनेशनल काउंटिंग, बोथ हैव सेम वैल्यू एंड सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। यानी पाकिस्तान में तो हम 10 लाख कहते हैं लेकिन इंटरनेशनली हम 10 लाख नहीं, हम 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने हमें डिफरेंस जो है वो सिखाया हुआ है और ये वैसा ही बिल्कुल डिफरेंस है जैसा डिफरेंस 1 लाख और 100,000 में था ना, ये बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस है। आप देखें 70 लाख, ये देखें फर्स्ट एग्जांपल, और आगे वो भी 7 मिलियन भी सेम वैल्यू है दोनों की, इसमें से भी 6 ज़ीरोज़ हैं, उसमें भी 6 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन कॉमर्स मिलियन में जो है वो 3 डिजिट्स के बाद है और लाख में जो है वो पहला 3 डिजिट के बाद है और फिर 2 डिजिट्स के बाद है। इसी तरह 10 लाख, हम पाकिस्तान में 10 लाख कहते हैं, इंटरनेशनली 1 मिलियन, 40 लाख, 4 मिलियन, 30 लाख, 3 मिलियन, 90 लाख, 9 मिलियन एंड सो ऑन, ओके। ये अब उन्होंने आगे थोड़ी सी वो जैसे रिविजन होती है वो रिव्यू उन्होंने आपको एक दिया हुआ है कि वी हैव लर्न्ड 1 डिजिट नंबर 0 to 9, 2 डिजिट नंबर 10 to 99, 3 डिजिट नंबर 100 to 999, इसी तरह करते करते नाउ वी शैल लर्न अबाउट 7 डिजिट नंबर्स और वो क्या हैं, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। और इन्होंने यहाँ टेबल पे भी हमें ये करके दिखाया हुआ है। देखिए बच्चों, मैं आपको साथ साथ कह रही होती हूँ कि ध्यान से सुने। अब उसका पर्पस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अब जिन बच्चों ने पिछली वाली एग्जांपल गौर से सुनी होगी ना और समझी होगी, उनको ये एग्जांपल फौरन समझ आ जाएगी कि कैसे प्लेस वैल्यू होती है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000। और उन्हें क्यों समझ आ जाएगी, क्योंकि लाख तक या 100,000 तक तो वह पहले से क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ एक चीज़ न्यू ऐड हो रही है, वो क्या है, 10 लाख और उसमें क्या है, मिलियन। और फिर जो कॉमर्स का डिफरेंस मैं बार बार बता रही हूँ कि देखें, इसमें कॉमर्स 3 डिजिट्स के बाद आ रहा है और इसमें पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद है, बाकी 2 डिजिट्स के बाद आ रहा है। तो जिनको वो पहली एग्जांपल क्लियर थी उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वैल्यू डिफरेंट तरह के कॉमर्स लगने से कैसे पढ़ी जाती है, फर्स्ट वाले में देखें 14 लैक्स 80,632 और इसी का जब कॉमा इस तरह से लगा होगा जो सेकंड टेबल में है तो हम उसको पढ़ेंगे 1,487,632। आई होप इट्स क्लियर, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ओके बच्चों। अब पेज नंबर 20 पे 2 क्वेश्चंस हैं जो एक ही जैसे सॉल्व होंगे, उनमें से एक मैं आपको सॉल्व करके दूंगी और दूसरा जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, टेबल्स भी बने हुए हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू मैं लिखनी आपको पहले भी समझा चुकी हूँ लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको डिटेल से समझा देती हूँ। अब देखें, ये हमारे पास डिजिट है या ये हमारे पास वैल्यू है बेसिकली, जिसको हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम राइट साइड से देखना शुरू करते हैं, तो ये इसकी राइट साइड बनती है, ठीक है। राइट साइड पे सबसे पहला डिजिट क्या है, 0, तो राइट साइड पे जो भी सबसे पहला डिजिट होता है वो यूनिट के अंदर आता है, तो हमने क्या डाल दिया, 0, ठीक है। फिर सेकंड नंबर देखें 7, 7 किसके अंदर आएगा, टेंस में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखें 6, 6 किसके अंदर आएगा, 100 के अंदर आएगा, ओके। 9, 9 उससे पीछे,
इधर 1000 के नीचे आएगा, 4 है उससे पीछे, 4 जो है वो किसके नीचे आएगा, 10,000 के नीचे आएगा। देखिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। 3 जो है वो किसके नीचे आएगा, लैक के नीचे आएगा। एंड 1 किसके नीचे आएगा, 10 लाख के नीचे आएगा। आपने ये सारे डिजिट्स यूं डिवाइड करके लिख लेने हैं और बस फिर उनको ज़ीरो से फिल कर देना है। आगे जो भी एम्प्टी स्पेस है, 7 के बाद 1 एम्प्टी स्पेस है, 1 0, 6 के बाद 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, 2 0, 9 के बाद 3 एम्प्टी स्पेसेस हैं, 3 0s, 4 के बाद 4 एम्प्टी स्पेसेस हैं, 4 0s, ठीक है। 3 के बाद 5 एम्प्टी स्पेसेस हैं, 5 0s, और 1 के बाद 6 एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो 6 0s। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल के नीचे उन्होंने दो बातें पूछी हुई हैं, वी राइट इट, तो राइट कैसे करेंगे, राइट तो हम यूं ही करेंगे, वी राइट यानी कॉमाज आपने इनको बताने हैं, ठीक है। 1 3 4 9 6 7 0, ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने पूछी हुई है, वी से इट एज, तो क्योंकि हम लैक्स के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लैक्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, आप देखें 13 के बाद कॉमा है, तो 13 लैक्स, फिर क्या है जी, 49 और 1 2 3 1000, 49,000, फिर क्या है, 670 यानी के 670, ये इसको हम लिखते ऐसे हैं, वी राइट इट एज दिस एंड वी राइट इट एज दिस एंड वी से दैट 13,49,670, ठीक है। इसी तरह से मिलता जुलता सेकेंड क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ओके, इसी तरह पेज नंबर 21 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड कॉमास टू द गिवन नंबर्स टू चेंज द फर्स्ट इनटू 10 लाख एंड देन इनटू मिलियन। तो बस लैक्स वाली बात आपने याद रखनी है कि राइट साइड से काउंट करके फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और दूसरा कॉमा 2 2 डिजिट्स के बाद आता है, और 1 मिलियन में राइट साइड से ही काउंट करते हुए फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद और अगला कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद ही आता है। तो इस तरह से आप इस टेबल को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द न्यूमरल्स ऑफ गिवन नंबर्स और एड कॉमास एट अप्रोप्रिएट लेवल्स। तो कॉमा इस पे मैंने डिफरेंट कलर से मेंशन किया है ताकि आप लोगों को फिर से एक दफ़ा क्लियर हो जाए कि लैक्स की बात है, तो कॉमा जो है वो फर्स्ट कॉमा राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद आएगा और फिर उसके बाद कॉमास जो है वो 2 2 डिजिट्स के बाद आते हैं, ठीक है। 13 लाख कॉमा 8,591, तो इसको पूरे डिजिट्स को आप पहले लिख लें तो वो कॉमास के बगैर तो बेहतर है, और उसके बाद आप उसमें कॉमास जो है वो एडजस्ट कर दें। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको इसको सॉल्व किस तरह करना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 21 पार्ट डी, 17 लाख, यानी सबसे पहला डिजिट जो आना चाहिए वो 17 होगा, ठीक है। 777,777, तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि पहले इस तरह से पूरा डिजिट लिख लें, और फिर क्योंकि लैक्स की फॉर्म है तो पहला कॉमा 1 2 3 3 7s के बाद आएगा और उसके बाद कॉमा आते हैं 2 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 और 2 और फिर यहाँ पर कॉमा आएगा। इस तरह से आप 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरह से इसके 10 के 10 पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से बच्चों देखें, अगला है, राइट द गिवन नेम्स इन नंबर्स यूजिंग कॉमास। तो अब उन्होंने फिर से पूछा हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि इसमें जो वैल्यूज़ है ना वो मिलियन में है, तो सिंपल आपने लिखना बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ क्या होगा, कॉमास 3 3 डिजिट्स के बाद आएगा। इसकी भी मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर देती हूँ, तो बाकी सारे इसी तरह से सॉल्व होंगे।
तो चलें इसकी एग्जांपल नंबर वन देखें. 1 मिलियन, 1 मिलियन 438,000, 831, 891. तो ये क्योंकि मिलियन में है, वो 10 लैक्स में था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3-3 डिजिट्स के बाद कॉमा डालेंगे, 1, 2, 3 कॉमा, 1, 2, 3 कॉमा, एंड फिर वी विल रीड इट एज 1,438,891. ठीक है, इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व होंगे. ओके बच्चों, यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म से. ठीक है, 3 तरह से जो है वो नंबर्स को लिखा जा सकता है जो उन्होंने नीचे मेंशन किए हैं. फर्स्ट फॉर्म है इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है. फिर आती है वर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म में भी उन्होंने लिख के दिखाया हुआ है. और फिर लास्ट में आती है एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसमें भी उन्होंने लिख के दिखाया हुआ है. अब आगे एक्सपेंडेड फॉर्म का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दूंगी और आप इजीली जो है वो सारी एग्जांपल्स सॉल्व कर लेंगे. अच्छा देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 और 7 सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि इसमें आपने 400 और 4000 तक ही रुकना नहीं है. ठीक है, तो बाकी आप जो है वो ख़ुद से सॉल्व करिएगा. मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 और 7 जो है वो सॉल्व करवाती हूँ, वो उस तरह से आपने सॉल्व करनी है. ओके जी, लेट्स सी द एक्सपेंडेड फॉर्म. बहुत ईजी, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सी, 6, यू विल राइट 6. फिर आप जीरो, आप नंबर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आपने जी 6 के आगे 6 जीरोस लगाने हैं, एंड प्लस 1, नेक्स्ट डिजिट है 1 लिखेंगे. कितने डिजिट से आगे, 1, 2, 3, 4, 5. आपने 1 के आगे 5 जीरोस लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. फिर अगला डिजिट है 5, आप लिखेंगे 5. 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4. आपने 5 के आगे 4 जीरोस लगाने हैं, है ना, सिंपल. प्लस का साइन, आगे 0 है, 0 लिखें. आपने 0 को भी एक डिजिट की तरह कंसिडर करना है. आगे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3. आपने इसके आगे 3 जीरोस लगाने हैं. ठीक है, उसके बाद 4, 4 लिखें. आगे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2. आपने इसके आगे 2 जीरोस लगाने हैं, प्लस. फिर क्या है, 0. आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, आपने 1 जीरो लगाना है. लास्ट में क्या है, 0. 0 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए आपने कोई जीरो नहीं लगाना. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी. सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज, मैं जीरोज वाली एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने जीरोज को इग्नोर नहीं करना. इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेगा. ठीक है, 1, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, वील पुट 6 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है जी, आफ्टर 1 देयर इज 2, 2 लिखें, काउंट करें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ओके जी, इसके बाद क्या है, 0, 0 लिखें. और कितने यहाँ पर डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4, 4 जीरोस. ठीक है, फिर क्या है, 4. ओके जी, 4, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स, 1, 2, 3, 3 जीरोस. 0, कितने डिजिट्स आगे, 2, 2 जीरोस. नेक्स्ट डिजिट इज 0, 0 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1, 1 जीरो. फिर लास्ट में 0 है, तो प्लस 0. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस. आई होप इट्स क्लियर. आप इजीली बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो है सॉल्व कर सकते हैं. ओके, राइट डाउन द फॉर्म्स इन विच द नंबर्स आर रिटन. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. तो अब आप ऊपर, आपको 3 तरह की फॉर्म्स पढ़ाई गई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म. तो ये वही आपने यहाँ पे मेंशन करना है. जब कलेक्टिवली डिजिट्स लिखे होंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जब अल्फाबेट्स में लिखे होंगे तो वो वर्ड फॉर्म होगी, और जब प्लस के साइन के साथ लिखे होंगे तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी. अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करनी बेहतर समझती हूँ, वो ये कि देखें यहाँ पर इन्होंने 1 0 लिखा हुआ है, यानी इन्होंने 0 के जो आगे 0 0s नहीं लिखे हुए. ठीक है, तो हम जो आपको जब सॉल्व करा रहे हैं और हम जीरोज की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखी थी इधर, तो देखें 0 तो है तो 0 ही, चाहे 4 दफ़ा लिखें चाहे 5 दफ़ा लिखें,
लेकिन आप जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आपको हर क्वेश्चन एक जैसा लगेगा और आपको इसमें डिफरेंस फील नहीं होगा कि ज़ीरो आता है तो हमने कुछ डिफरेंट करना होता है, ठीक है? तो मल्टीपल ज़ीरोज़ लिखने का सिर्फ ये मकसद है, अदरवाइज़ 4 लिखे हों 0, 100 ज़ीरो लिखे हों, ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है, ठीक है? लेकिन इससे आपको प्लेस वैल्यू लिखने में आसानी होगी, इसलिए अगर 3 दफ़ा ज़ीरो आया है एंड पे भी, तो मैंने 3ों दफ़ा ज़ीरो लिखा है, और ज़ीरो के आगे भी जितने डिजिट्स हैं उनको सही तरह से काउंट करके हमने प्रॉपरली इसको सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ओके, इसमें आपने एक्सपेंडेड फॉर्म्स के आगे प्लस करके दो दो आंसर्स लिखे हुए हैं, करेक्ट आंसर को इनसर्कल करना है, बस सिंपल सी प्लेस वैल्यू देखनी है। जैसे मैं पहले वाले में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए पहले वाले में जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है, अभी तक आपको प्लेस वैल्यूज़ के नाम रटे हुए होने चाहिए। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट। तो 2 को यूनिट पे होना चाहिए, लेकिन पहले वाले में 2 यूनिट पे है ना और दूसरे वाले में नहीं है, तो पहले स्टेप से ही पता चल जाता है कि पहला वाला आंसर जो है वो ठीक है। इसी तरह जो है ये मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। उसके बाद ये ब्लैंक्स का सोल्यूशन है, ये मैं आपको एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ। विच इज़ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 9 टाइम्स 6। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट दारी बताए जो पहला नंबर होता है 100,000। आर 1 लाख एंड 100,000 द सेम? येस। इज 999,999 एंड 9,999,999 द सेम? येस। सिर्फ कॉमर्स का डिफरेंस है और पढ़ने का डिफरेंस है, दे आर सेम। विच वन इज़ ग्रेटर, 1 लाख और 1 मिलियन? ऑब्वियसली 1 मिलियन बड़ा, क्योंकि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। हाउ मैनी जीरोज़ आर देयर इन 1 लाख? 5। हाउ मैनी जीरोज़ आर देयर इन 10 लाख? 6। द प्रीडिसेसर ऑफ 99,999 इज 99,998। द सक्सेसर ऑफ 99,999 इज 1 लाख। 10 लाख्स एंड 1 मिलियन बोथ आर 7 डिजिट नंबर्स। There are 6 zeros in 1 million. With this, we come to the end of this chapter. कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीखना अच्छे तरीके से है, क्योंकि आगे जब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे और मज़ीद क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आपको प्लेस वैल्यू क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। सारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।